السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज हम बात करेंगे कि बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ, यानी कि जब हम लोग बैतुल खला से बाहर निकले तो कौन सा दुआ पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद इंसान को मालूमात नहीं है कि जब भी हम लोग बैतुल खला से निकले तो कौन सा दुआ पढ़े। इस वजह से हम लोग जानते हैं कि बैतुल खला से जब निकले तो कौन सा दुआ पढ़े। चलो शुरू करता हूं कि कौन सा दुआ पढ़े। जब भी बैतुल खला से बाहर निकले तो ये दुआ पढ़े, गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी अल-अज़ा वआफ़ानी। इनका तर्जुमा यह है, ऐ अल्लाह, यानी ऐ अल्लाह, मैं आपसे मगफिरत चाहता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं आपसे मगफिरत चाहता हूँ। तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए है। क्या है? तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए है जिसने मुझसे तकलीफ को दूर किया, यानी कि जो तकलीफ थे अल्लाह तबारक व तआला हमारी तकलीफ को दूर कर दिया, जिसने मुझसे तकलीफ को दूर किया और मुझे आफियत बख्शी, यानी मुझे आफियत बख्शी। ये जो था बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ था और उनका तर्जुमा था, दोनों साथ में आपको बता दिया ताकि हम लोग इस पर अमल करें। जब भी हम लोग बैतुल खला जाए, बैतुल खला से बाहर आए तो दुआ पढ़कर जाए, बैतुल खला से बाहर आए तो बैतुल खला के दुआ, यानी बाहर निकलने की दुआ पढ़कर आए, इस पर अमल करें। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।